स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये जो क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और चैप्टर का नाम है डीसी मोटर। इसके पहले हम लोग 7 से 8 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोग वो क्लासेस नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे डीसी मोटर नाम से चैप्टर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किए थे और ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ITI के एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए ताकि किसी भी प्रकार के जैसे ITI से रिलेटेड जानकारी आए, वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी रहे, या आपको क्लास देखना है, जैसे ही नया अपडेट आएगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अब आइए सबसे पहले चलते हैं कि आज के 15 नंबर तक हम लोग कल कर लिए थे, आज अपन चलते हैं 16 नंबर से। यानी 16 नंबर अपन करेंगे आज कि इसका जो क्वेश्चन है तो आपको समझ में आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको 1-2 स्पून मोटर बदलना है। इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब जैसे क्वेश्चन है कि आपको 1-2 स्पून मोटर बदलना है, 2 स्पून मतलब खराब मोटर बदलना है, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव की किस प्रकार की मोटर को आप चुनेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का मतलब होता है ट्रेन की जो मोटरें लगी होती हैं, ट्रेन में जो मोटरें का यूज किया जाता है, यदि वो मोटर जल गई है तो आप मार्केट पे जाओगे या आपको कहीं भेजा जाएगा मोटर लेने के लिए, तो आप किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे, कौन सी मोटर को लगाएंगे वहां पे लोकोमोटिव में। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ट्रेन होती है उसमें से जो मोटर को यूज किया जाता है तो वहां पर सीरीज मोटर यूज की जाती है। कौन सी मोटर? डीसी सीरीज मोटर ट्रेनों में यूज की जाती है, लोकोमोटिव में यूज किया जाता है। आपसे कहीं पे इंटरव्यू में पूछा जाए कि हमारे ट्रेनों में कौन सी प्रकार की मोटर लगी होती है, तो आपको जवाब देना है कि डीसी सीरीज मोटर को उपयोग किया जाता है रेलवे लोकोमोटिव में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, लिफ्ट में कौन सी डीसी मोटर को वरीयता देते हैं, यानी कौन सी मोटर को लिफ्ट में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हर जगह आपसे क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे कि लिफ्ट में कौन सी प्रकार की मोटर को लगाया जाता है। आपसे कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लिफ्ट में कौन सी मोटर को यूज किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लिफ्ट में डीसी सीरीज मोटर को लगाते हैं। यानी हम लोग जो लिफ्ट वगैरह आप देखोगे, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी घर बने होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हो, कहीं भी जाते हो, मॉल घूमने जाते हो, जो वहां पे लिफ्ट लगी होती है, तो उस लिफ्ट को जो ऊपर और नीचे ले जाती है मोटर, वो मोटर सीरीज मोटर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाला मोटर। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जितने भी होते हैं, जैसे आपकी बस हो गई, इलेक्ट्रिक बस हो गई, ऐसे ट्रैक्शनों में जो मोटर यूज की जाती है वहां पर भी डीसी सीरीज मोटर यूज किया जाता है। ये जो डीसी सीरीज मोटर है ट्रैक्शन में यूज की जाती है, लिफ्ट में यूज किया जाता है, ट्रेन में यूज किया जाता है, आपको हर एक मोटर का यूज मालूम होना चाहिए, कौन सी मोटर कहाँ पे यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, 1 शंट मोटर निर्धारित उत्तेजन पर एक स्थिर बलाघूर्ण प्रदान करता है, यदि हम फील्ड धारा आधी कर दें तो मोटर की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी मोटर की स्पीड क्या होगी। ये बोल रहा है कि 1 शंट मोटर निर्धारित उत्तेजन पर एक स्थिर बलाघूर्ण प्रदान करता है, एक स्थिर टार्क देता है, यदि उसके हम जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग की करेंट को हम आधी कर दें, उस कंडीशन पे मोटर क्या होगी उसकी गति, तो आपको बताना है गति जो होगी दोगुनी हो जाएगी। गति यानी स्पीड, यदि हम करंट को आधा करेंगे तो हमारा जो फ्लक्स है फ्लक्स भी कम उत्पन्न होगा, जिसके कारण हमारी स्पीड ऑलरेडी दोगुनी हो जाएगी, बढ़ जाती है। कल भी बताया था यदि हम फ्लक्स का मान कम करेंगे तो मोटर की जो स्पीड होती है तो स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, यदि शंट मोटर की सप्लाई वोल्टेज 20% तक बढ़ जाती है तब निम्न में से किसका मान घट जाता है। शंट मोटर है, सप्लाई वोल्टेज को 20% घटा दिया जाता है, जब हम सप्लाई वोल्टेज को 20% घटाएंगे तो किसका मान घटेगा, सबको मालूम होगा लोड गति का, किसका, फुल लोड गति का जो मान होता है वो घट जाता है।
जब हम सप्लाई वोल्टेज को 20% कम करते हैं तब मोटर की जो लोड गति है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि डीसी संट मोटर का प्रयोग किसमें होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो डीसी संट मोटर होती है उसका यूज हम लोग मशीन उपकरण ड्राइव के साथ करते हैं। डीसी संट मोटर का जो यूज होता है, जो प्रयोग किया जाता है, मशीन उपकरण ड्राइव के साथ हम लोग यूज करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए संट मोटर की बात कर रहा है। आप लोग को संट मोटर का पूरा फंक्शन मालूम होना चाहिए। मैंने संट मोटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। संट मोटर की थ्योरी आप लोग देख सकते हो, चौथी या पांचवी क्लास में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डीसी संट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्ण गति पर क्या प्रभाव होगा। यदि डीसी संट मोटर है उसमें हम लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति पर प्रभाव क्या पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए जब लोड बढ़ाएंगे तो उसकी थोड़ी सी गति कम हो जाएगी। कोई भी मोटर है, जब मोटर पे लोड बढ़ता जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, ऑलरेडी कम हो जाती है। तो यहीं पे यही दिया है कि यदि संट मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो उसकी जो घूर्णन गति है कुछ कम हो जाती है। हल्का फुल्का तो कम है, जो स्पीड से पहले चल रही थी जब मैंने लोड को बढ़ाया उस टाइम पे उसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसी किस प्रकार की जो मोटर होती है, ऐसी कौन सी मोटर है जो एलिवेटरों में यूज किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए डीसी कामलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी जो एलिवेटर में मोटर यूज किया जाता है वो कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर पे लोड बढ़ाने से, यदि कॉम्युलेटिव कंपाउंड जो है यदि उसमें से हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो घूर्णन गति कम हो जाती है। ठीक, यदि कोई भी मोटर है जैसे ही हम उसमें लोड का मान बढ़ाते हैं उसकी जो स्पीड होती है कुछ ना कुछ कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मशीन के लिए, रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोग क्या है। आप बताओगे कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। शेयरिंग मशीन हो गई, पंच मशीन हो गई, प्रेस मशीन हो गई, एलिवेटर, कन्वेयर या रोलिंग मिल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ही है। चल है, इसमें से जो 26 नंबर क्वेश्चन है, तो डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य। मैंने स्टार्टर के बारे में बहुत अच्छे से क्लास में बताया था कि स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टर कहाँ पे लगाया जाता है, स्टार्टर क्यों लगाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी मोटर में हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है। सबको मालूम है कि स्टार्टर का काम है कि स्टार्टिंग धारा को कम करना। स्टार्टिंग में जो करंट होती है मोटर के आर्मेचर तक जो पहुंचती है उसी को कंट्रोल करती है, उसी को कम करती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी मोटर के साथ जो प्रयुक्त स्टार्टर होता है उसका मुख्य काम है कि स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर यानी डीसी में डैश डैश का संबंध श्रेणी में आपूर्ति के आर पार निम्न में है। एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में जो एनडीसी में प्रारंभिक प्रतिरोध का संबंध श्रेणी में आपूर्ति के आर पार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 28वां नंबर क्वेश्चन है, 4 पॉइंट वाले स्टार्टर का प्रयोग निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। यानी जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका उपयोग या उसका प्रयोग निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। सबको मालूम है, समान से अधिक आघूर्ण गति नियंत्रण युक्ति कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। सामान्य से अधिक जो घूर्णन करती है मोटर उसी की गति को कंट्रोल करने के लिए ही 4 पॉइंट स्टार्टर का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब डीसी संट मोटर की गति फील्ड फ्लक्स द्वारा नियंत्रित की जाती है तब 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता, ऐसा क्यों। क्योंकि मोटर अति उच्च गति पर रुक जाती है, रुक सकती है। जब डीसी संट मोटर की गति फील्ड फ्लक्स द्वारा कंट्रोल की जाती है तब 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि मोटर अति उच्च गति पर रुक सकती है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, इसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण करने की विधि क्या है। सबको मालूम है कि फ्लक्स के द्वारा, प्रतिरोध के द्वारा, वोल्टेज के द्वारा, सभी के द्वारा हम मोटर की गति को कम कर सकते हैं।
यदि आपसे कोई भी पूछे इंटरव्यू में भी कहीं भी पूछे मोटर की स्पीड को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आप बताओगे फ्लक्स के द्वारा हम स्पीड कम कर सकते हैं, प्रतिरोध लगाकर स्पीड कम कर सकते हैं, उसके वोल्टेज को जो आर्मेचर वोल्टेज है उसको हम कम करके स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ये दो तीन मेथड हैं जिनके कारण आप स्पीड कम कर सकते हो मोटर की। तो ये आज के जो 15 क्वेश्चन थे और कल के 15 क्वेश्चन हैं, टोटल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आगे के क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।